मत शासना तिगो यस्तम अचिरात भ्रष से श्रिय। अरे नीच, तुम अपने को पंडित मान रहे हो, एक नंबर के मूर्ख हो, अज्ञानी हो लेकिन अपने को पंडित मान रहे हो। तुम बड़ी गर्व के साथ मेरा अपमान कर रहे हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मैं तुमको श्राप देता हूँ, जल्दी ही श्री से संपत्ति से श्रीहीन हो जाओ, हीन हो जाओ। तो जल्दी इस राज लक्ष्मी को खो बैठेगा, श्राप दे दिए। लेकिन महाराज बलि तो सत्य प्रतीक वैष्णव थे, गुरुदेव के श्राप देने से भी डिगे नहीं। कोई बात नहीं, तीन डेग पृथ्वी देने के लिए संकल्प ले लिए। संकल्प लेने से पहले भगवान का चरण धोए, चरण धोवन में उनकी पत्नी विंध्यावली भी सहायता की। सोने के कलश में जल लेकर आई, खूब सुंदर गहनों से सुसज्जित थी। सुखदेव गोस्वामी उसके विषय में वर्णन करते हैं। बलि महाराज सबसे पहले वामन देव के चरण पखारे और उस चरण को पान किए, सिर पर चढ़ाए। यह देख करके आकाश में स्थित देवता जो विमान पर थे, बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व बलि के इस अद्भुत कार्य की प्रशंसा करने लगे। वाह, ये होता कि चलो अनजान में दे दिया, अनजान में नहीं, जान बुझकर देने जा रहा है। देख लीजिए, इसके गुरु विरोध कर रहे हैं, साफ साफ बतला रहे हैं, फिर भी बलि देने जा रहा है। अद्भुत है, महान है, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सब पुष्पों की वर्षा करते हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में दूसरों के लिए कठिन है। देखो, जान बुझकर अपने शत्रु को दान देने जा रहा है। बड़े बड़े मनस्वी और विद्वानों के लिए भी कठिन है। मनस्विनानेन कृतम सुदुष्करम विद्वान ददाद यद रिपवे जगत्रयम। यह जान कर दे रहा है, ये बड़ा कठिन काम है कि जान जाए कि हमारे शत्रु है फिर भी दे रहा है। जब संकल्प लिए कि हाँ दूंगा, देने के लिए तैयार हो गए तो अद्भुत घटना घटी। वो शरीर तद वामनम रूपम वधार तदाद्भुतम हरे रनंतस्य गुणत्रयात्मकम भूखम दिशो दौर विवरा पयोधय तिरियंग निर्देवा ऋषयो यदाशत। इतना विशाल रूप बढ़ाए, इतना विशाल रूप कि सारे आकाश देवता समुद्र पताल पशु पक्षी मनुष्य सबके सब उनके शरीर के अंदर हो गए। उनका शरीर इतना विस्तार हुआ, ये नहीं कि वही बढ़कर सबको डिस्टर्ब करने लगे, सब लोग उसके अंदर आ गए। सारा आकाश था, सारा पहाड़ नदी और जितने उपस्थित ऋषि ब्राह्मण पशु पक्षी मनुष्य देवता सब भीतर, सब देख रहे हैं कि वो शरीर बढ़ता जा रहा है, विशाल शरीर है, विश्व रूप के रूप में विराट पुरुष के रूप में शरीर बढ़ रहा है। इस तरह से आकाश उनके शरीर में दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, स्वर्ग लोक दिख रहा है, सब जो भी विराट पुरुष का वर्णन है उनके शरीर के अंदर दिखाई दे रहा है। सब चीज विशाल पुरुष के रूप में दिखाई दे रहा है। उनके कोख में समुद्र दिख रहा है, नाभि में आकाश दिख रहा है, वक्षस्थल में नक्षत्र समूह दिख रहे हैं। उसी रूप में शरीर बढ़ रहा है, ऐसे लोग देख रहे हैं। वो आकाश दिख रहा है, नक्षत्र दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, उनके शरीर के अंदर सारा शरीर बढ़ गया। नेत्रों में सूर्य देख रहे हैं, मुख में अग्नि। विशाल रूप जब बढ़ा, देख करके सब लोग उस रूप को आश्चर्य में भर गए। देवता लोग तो देख रहे हैं कि अब भगवान इस शरीर से नापेंगे, देखने के लिए तैयार हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे शरीर है। वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि स्पर्शे च कामम निपरेत रेत सोमभ पृष्ठे तो धर्मम क्रमणेशु यज्ञम छाया सुमृतुम हस्ते च मायाम। वर्णन कर रहे हैं कहाँ कहाँ क्या दिखाई दे रहा है। उनके स्पर्श में काम, वीर्ज में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में जग, छाया में मृत्यु, हसी में माया, शरीर में अनेकों प्रकार की औषधियां, नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं, बुद्धि में ब्रह्मा देवता ऋषिगण, सब दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार भगवान जब संपूर्ण जगत को सामने इतना विशाल रूप प्रकट किए तो दैत लोग डर गए, क्या हो रहा है। इस प्रकार से भगवान का यह रूप इतना विशाल था, उनके वक्षस्थल बहुत विशाल, उस पर श्री वत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, श्री लक्ष्मी सब दिखाई दे रहा है। और इतने विशाल शरीर से भगवान नापना प्रारंभ किया है।
एक पग से जहाँ खड़े थे उसके नीचे के भाग को एकदम तल तलातल अतल बीतल सुतल पताल सब, और फिर दूसरा पग बढ़ाए तो एकदम ऊपर के लोक स्वर लोक जल लोक मोहर लोक तप लोक सत्य लोक सब नाप लिए, और वो चरण बढ़ता हुआ जा रहा था जो जल लोक तप लोक के ऊपर सत्य लोक ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचा। तो फिर आगे 21वें अध्याय में कहते हैं कि वहां जब सत्य लोक में पहुंचा तो वहां बड़े बड़े ऋषि लोग थे, ब्रह्मा जी थे, वेद वहां मूर्तिमान रूप में रहता है। ब्रह्मा जी देखे कि अरे इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, उनके चरणों से प्रकाश आता है, सब उनके महिमा को गाने लगे, चरण धोने के लिए तैयार हो गए, और कमंडल में चरण धो रहे थे, वो चरण बढ़ता जा रहा था, ब्रह्मांड का कवर फाड़ दिया, और फिर वो जो स्पिरिचुअल जल है कारणोदक का, कारणोदक का जल आने लगा और गिर करके वो जल ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के लोक में उसको ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखे, वही पवित्र जल गंगा जी है। धातु कमंडलु जलम तदुरु क्रमश पादा वनेजन पवित्रतया नरेन्द्र स्वधुन्य भूनवसी सा पतति निर्माष्टिम लोकत्रयम भगवतो विषदेव कीर्ति। इस प्रकार सारे जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी। अब तो दो डेग में सब कुछ नाप लिए, अब कुछ बचा नहीं बलि के पास, तो फिर भगवान अपने रूप को छोटा कर लिए, छोटा करके वहां जो बलि का राज सिंहासन था उस राज सिंहासन पर बैठ गए। उस समय ब्रह्मा आदि लोकपाल आकर उनको बड़े आदर के साथ भेंट समर्पित किए, पुष्प दिए, माला दिए, जल दिए, उपहार, सुगंधित धूप, अक्षत फल। वास्तव में भगवान सर्व समर्थ हैं, सब कुछ उनके पास है, फिर भी उनको देना चाहिए। भगवान को भेंट देने के पीछे क्या साइंस है, आखिर कुछ होना चाहिए, क्या बात है, क्यों दिया जाता है, ये भगवान की अपेक्षा है। जैसे कोई पिता कहीं से बाहर से बाजार से या कहीं से कोई फल लेकर आवे या मिठाई और बच्चे के हाथ में दे दे और बच्चा लेकर खुश हो जाता है, खाने लगता है, और कभी कभी कोई बच्चे ऐसे अच्छे होते हैं संस्कारिक कि वो उस मिठाई को अपने हाथ में लेकर खाने से पहले उनके पास देते हैं, पिताजी ये पापा आप भी थोड़ा लीजिए ना, तो देखिए जरूरत नहीं है वही लाया है, लेकिन इस विचार से गदगद हो जाता है। और जब वो अकेले लेकर खाना चाहता है, अपने दूसरे भाइयों को नहीं देना चाहता है, स्वयं खाने की चेष्टा करता है, तो दिए हैं हाथ में फिर भी नाराज होने लगते हैं, कहते हैं अरे दूसरों को भी दो, या कभी कभी स्वयं मांगने लगते हैं मुझे दो, तो ना हम नहीं देंगे। कुछ लड़के ऐसे होते हैं हाथ में आते ही अपना मान लेते हैं, अब पिता के मांगने पर भी नहीं देते हैं, कहते हैं हमको भी दो, थोड़ा ना 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 ना, ना भागने लगता है। ठीक वही हालत हम लोगों का है, इतने बेईमान पुत्र हैं। दिया है पिता, मांग रहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, देने पर तैयार ही नहीं है, हम अकेले खाएंगे। भगवान कहते हैं अरे भाई पहले मुझको खिलाओ, लेकिन तैयार नहीं है। तो इस तरह से भगवान को भेंट दिया जाता है, भगवान के चरणों में कुछ पुष्प कुछ फल दूर्व धूप सुगंधित देते हैं, जय जय घोष भी भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह से बड़े बड़े देवता प्रशंसा कर रहे थे, भेंट उपहार दे रहे थे भगवान को, सब लोग देने लगे। बलि तो दिया ही, बलि ही नहीं बहुत देवता आए, सब लोग कुछ न कुछ उपहार ला कर दिए। और उसी समय जिस समय भगवान ने इतना विशाल काम किया, सारे भूमंडल को नापा, उसी समय ऋक्षराज जमवान भेरी बजा बजा कर सारे जगत में परिक्रमा किए, भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा किए, जय हो हमारे प्रभु की लीला देखिए, छोटे रूप में आए और दो डेग में ब्रह्मांड नाप लिए, इस प्रकार प्रशंसा किए। और इधर दैतों की क्या पोजीशन हुई, दैत लोग सोचे कि अरे बाप रे बाप, भिख मंगा छोटा रूप लेकर आया और सब कुछ नाप लिया, हमारे स्वामी जग में दीक्षा लिए हैं, एक क्रोध नहीं करेंगे, तो इसका नजायज फायदा उठा लिया है।
ये तो क्रोध भी नहीं करेंगे ना हमको ऑर्डर देंगे कि युद्ध करो। अब तो हम लोगों का अपना कर्तव्य बनता है कि इसको यहाँ से भगावे मारे, इसको धन नहीं देंगे। तो सब कहने लगे नहीं, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, किसी हालत में ब्राह्मण नहीं है। देखो यह सबसे बड़ी माया जानने वाला विष्णु है। नवा अयम ब्रह्म बंधु विष्णु माया विनाम्बर द्विज रूप प्रति छन्नो देव कार्यम चिकित्सति। यह ब्राह्मण नहीं है, इसको क्यों दान दिया जाए, इसके नाप लेने से क्या हो गया, हम इसको नहीं देंगे। देवताओं के काम बनाने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अने न याच माने न शत्रुणा बट रूपिणा सर्वस्यम नो हृतम भरतु न्यस्त दंड से बरहिसी। इस अवस्था में हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि बिना स्वामी के परमिशन के इसको मारना चाहिए। बस हथियार उठा लिए, मारो 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 इसको मारो, टूट पड़े हथियार लेकर। तो भगवत पार्षद देखे, बस पार्षद लोग भी अपना हथियार उठा लिए और रोक दिए हंसते हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रोक लिए और उनके हथियारों का सामना करते हुए असुरों की सेना का संहार करने लगे। और राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, तो बलि महाराज को शुक्राचार्य जी का साप याद आ रहा है, इसलिए अपने सेनापतियों को संबोधित करते हैं। हे विप्रचिते, हे राहो नेमी, अरे भैया हमारी बात तो सुनो। मा युद्धत्व निवर्तध्वम नाना कालोयम अर्थकृत। अरे भाई इस समय हम लोगों के अनुकूल समय नहीं है, इस समय जो भी करोगे असफलता मिलेगा। हम लोग कई बार इनको हरा चुके हैं, लेकिन आज समय पलटा, देवताओं की बारी है, इनकी उन्नति और हमारे अवनति का समय आ गया है, इसलिए काल पर विचार करके युद्ध मत करो। मैं जानता हूं तुम लोग देवताओं को हरा चुके हो, अरे किस बात का डर है, क्यों आप मना कर रहे हैं, क्या ये देवता हमसे बलवान है? असुर लोग कह रहे हैं। तो बलि महाराज कहते हैं हम जानते हैं कि आप लोग कई बार देवताओं को हरा चुके हैं, लेकिन देखो ये कितनी सफलता से हम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सब समय एक समान नहीं होता, इसलिए जब हमारा समय अनुकूल आएगा तो हम भी जीत जाएंगे। ये समय की प्रतीक्षा करो, इस समय हमारे लिए मंगलमय समय नहीं है। तो बलि महाराज की बात सुनकर असुर लोग जाने लगे, डर भी गए कि अब क्या करें, पार्षद लोग पीट रहे हैं। तब तक भगवान वरुण जी को आज्ञा दिए कि इसको अरेस्ट करो, बलि को बांधो। वरुण पास में बांध दिए। और उस दिन देवताओं को सोमपान पिलाने का समय था, अश्वमेध यज्ञ में बड़ा शुभ मुहूर्त था। क्या होना था क्या होने लगा, अब सब जगह हाहाकार मच गया। बलि को जब बांध दिया गया तो सारे लोगों में बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत और सब जगह आकाश में पृथ्वी पर देवलोक में सब जगह करी, बलि बेचारा निरपराध है, इसको बांधना उचित नहीं है। लेकिन बांध कौन रहा है, भगवान बनवा रहे हैं, गरुण जी बांध दिए। अब क्या करें, वरुण पास में बांध दिए गए और अब भगवान बैठ करके राज सिंहासन पर कहते हैं, पदानी त्रीणी दत्तानी घुमे मह्यम तया सुर द्वाभ्याम कांता मही सर्वा तृतीय उपकल्पय। अरे असुर तूने मुझे पृथ्वी के तीन पग देने को कहा था ना, दो पग में सब कुछ ले लिया, तीसरा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है, जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, मैं जानता हूं जहां तक चंद्रमा की किरण पहुंचती है, वो सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। जावत तप्यसौ गोभी जावत इंदु सहो डुभी जावत वर्षति पर्जन्य तावती भूरियम तव। जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, चंद्रमा के किरण पहुंचता है और इंद्र वर्षा करते हैं, वहां तक की सारी धरती तुम्हारी थी। लेकिन पदई के न मया क्रांतो भूलोकम खम दिशो तनु स्वलोकस्तु द्वितीय न पश्यतस्ते स्वमात्मना। देख लिया ना, एक डेग में नीचे दूसरा डेग में ऊपर, अब तीसरा के लिए तुम्हारे पास जमीन नहीं है, नहीं है ना,
प्रतिश्रुतम मदातुष्टे निरय वासिष्यते विषत्वम निरयम तस्मात गुणा चानुमोदित। अरे मूर्ख, कहीं का नहीं दे सकोगे, तीन डेग नरक में जाओगे, तुम अपने गुरु की भी बात नहीं माना, लेकिन इसके बाद भी तुम देने के फेरे में पड़ा था। था मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्ग पतत्यध प्रतिश्रुतस्य दाने न योर्थिना विप्रलम्भते। ऐसे कुछ लोग होते हैं मूर्ख, की याचक को समाज में प्रतिज्ञा कर देते हैं, जब दान देने का अनाउंस हो रहा है तो हम भी देंगे 10,000 कर देते हैं और फिर मुकर जाते हैं। इस प्रकार धोखा देने वाला का न जस मिलता है न स्वर्ग मिलता है। अगर कह दिया नहीं दान दिया तो निंदा होती है, अरे झूठा है, थर्ड क्लास असत्य बोला। यहां भी निंदा होती है, नरक भी जाता है, उसके मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग तो मिलने का सवाल ही नहीं, नरक में जाता है। योर्थिना विप्रलम्बते, इस तरह से तुम धोखा दे रहे हो याचकों को, ब्राह्मणों को। लोग विप्रलब्धो ददामिति त्वयाहं चाढ्यमानिना यद बलि फलम भुक्ष्व निरयम कथित समा। तुम्हें इस बात का घमंड था कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे कहा था कि दूंगा, अब धोखा दे रहे हो। चलो बेटा, कुछ दिन के लिए नरक में नरक का फल भोगो, झूठ बोलने का फल, नरक जाओ। इस प्रकार भगवान जब तिरस्कार किए, बलि को बांध कर डांट रहे थे, लेकिन विचलित नहीं हुए, एकदम टस से मस नहीं हुए अपने विचार पर। तो बलि महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कीर्ति महान है, यदु तमसलोक भवान ममेरितम बचो बेलिकम सुरवर्ज मन्यते करो मृतम तन्न भवे प्रलम्बनम पदम तृतीयम कुरु शिष्य में निजम। बलि महाराज कटाक्ष करते हैं, मैं तो झूठा निकला ही, कहकर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, हे उत्तम श्लोक एति कटाक्ष, उत्तम श्लोक यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम, हम तो झूठा है, तीन डेग देने के लिए कहे, लेकिन आप तो सत्यवादी है ना, आप तो उत्तम श्लोक है ना, आपकी महिमा तो बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में, उत्तम श्लोकों में वर्णन किया गया है, लेकिन आए थे छोटा पैर लेकर, नापते समय बड़ा कर लिए, ये तो कोई गलत काम नहीं है ना, आपकी महिमा तो उत्तम रहेगा चाहे कुछ भी करेंगे, हम तो धूर्त है, नरक में जाएंगे। यह तो आपका उत्तम श्लोक जस है ना, आए थे बवना बनकर छोटा और नापते समय विशाल रूप बढ़ा लिए, इसको भी आप उचित मानते हैं कि बड़ा पैर बढ़ाकर नापना ठीक है, तो इसको भी मैं मानता हूँ आप उचित कह रहे हैं, ठीक है, मैं भी सत्य करूंगा। मदुक्तम विप्रलम्बनम न भवतु, मैं ब्राह्मणों को धोखा नहीं दे सकता, मैं जैसा कहा हूँ वैसा करूंगा, तथापि रीतम एवं करोमि मदुक्तम विप्रलम्बनम न भवतु, आप तीसरा डेग मेरे सिर पर रखिए, मैं शिष्य निजम तृतीयम पदम कुरु, पदम तृतीयम कुरु शिष्य में निजम, मेरे सिर पर तीसरा पैर रखिए। न च द्वाभ्याम विश्वम क्रांतवतो मैं तो सिर पाद पर्याप्तम न भवती मन्ने था। अरे मैं इतना विशाल पैर बढ़ाकर नाप लिया, नीचे का ऊपर का लो का, तुम्हारा सिर छोटा सा सिर, हमारा तीसरा डेग भर है, मान लो तुम्हारे सिर पर रख दे तो देखा कि एक डेग में कितना जमीन घेरता हूँ, तुम्हारा छोटा सिर इतना है, पर्याप्त नहीं है। मैं तव सिर पाद पर्याप्तम न भवती थी, बीते न छेत पद द्वयम जातम तदीयम अधिकम एवं स्यात बीतादपि बीतवतो अधिकत्वादिति भाव। श्रीधर स्वामी चक्रवर्ती ठाकुर भी थोड़ा विस्तार से लिखते हैं इसी को, कहते हैं कि देखिए, धन से धनवान का कीमत दूना होता है, जितना प्रॉपर्टी मेरा है जो आपके दो डेग में आता, उसके दूना कीमत हमारे शरीर का है चार डेग के बराबर, संपूर्ण संपत्ति दो डेग के बराबर है ना, तो ठीक उसके दूना चार डेग के बराबर मैं हूँ। धनवान का कीमत धन से दूना होता है कम से कम, तो मेरा संपूर्ण धन दो डेग में और मेरा ये शरीर चार डेग में, आए थे तीन डेग लेने ना, चार डेग और ले लीजिए, छह डेग, दो डेग तो नाप ही लिए और दो के दूना मैं हूँ, मेरा ले लीजिए। हे प्रभु,
आप मॉम को ले लिए, मेरा जो था वो तो ले लिए, अपना चरण मेरे सिर पर रख कर मुझे भी स्वीकार कीजिए, जो अहम मेरी प्रवृत्ति है अहंकार इसको भी ले लीजिए प्रभु। अब मॉम चला गया, अहम बाकी है, ये धोखा देगा, इसलिए मेरा सब कुछ ले लीजिए, मेरा अपना धन ले लिए, अब मुझे भी ले लीजिए अपने चरणों में, अपना चरण मेरे सिर पर रखिए प्रभु। भगवान रखे, ऐसा नहीं कि नहीं रखे, रखे। तो इस प्रकार विभे मीनाहम निर्यात पदच्युतो न पास बंधा दशनाथ दुरत्याद नैवार्थ कृक्षात भवतो विनिग्रहात असाधुवादात भीष्मोद्विजय जथा। मुझे नरक में जाने का कोई डर नहीं है, न इस राज्य पद से गिरने का डर है, मैं पास बंधन से और अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। न पास बंधात, पास में बांध दिए हैं वरुण पास में, इसे भी नहीं डरता हूँ, और न बहुत भारी दुख होने से डरता हूँ, और न यह मेरे दुख का कारण नहीं है, मेरे पास कुछ भी न रहे कोई बात नहीं, लेकिन घोर दंड दे मेरे लिए भय का कारण नहीं, मैं डरता हूँ केवल अपनी अपकीर्ति से कि कहा हूँ कि दूंगा और नहीं दूंगा तो मेरा जो अपजस फैलेगा, इसे मैं डर रहा हूँ प्रभु। आप कृपा कीजिए, अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। और एक और महत्वपूर्ण श्लोक कह रहे हैं बलि महाराज कि पुनसाम शिलाघतमम मन्ने दंड मरहत मारपितम यमन माता पिता भ्राता सुहृद सा दिशंती ही। हे मेरे प्रभु, अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दंड दिया जाता है वो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है। जो गुरु लोग दंड देते हैं, जो अपने हितैषी लोग दंड देते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा दंड तो अपनी माता पिता और भाई नहीं दे सकते, उनके अंदर तो ममता है, मोह है, मोह बस देते ही नहीं, सुहृद हैं। लेकिन गुरु लोग पढ़ाते समय, शिक्षा देते समय बच्चों को पीटते हैं, दंड देते हैं, लेकिन माँ, माँ अगर देख लेती है तो कहते न मत मारिए, भले नहीं पढ़ेगा। माँ बच्चों को दंड नहीं दे सकती, पिता नहीं दे सकता, भाई नहीं दे सकता, लेकिन गुरुजन देते हैं, यह तो बहुत बड़ी कृपा है। यह तो वास्तव में आप पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दंड दिया जाता है, उचित है। मैं गलती किया हूँ, आप मुझे बांध लिए, ठीक है, लेकिन हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए। तम नूनम असुराणम न पारोक्ष परमो गुरु। आप तो हमारे गुरु हैं। हम लोग जब धन पद के अहंकार में जहाँ तहाँ मत से अंधे हो जाते हैं तो आप छीन करके पदच्युत करके हमारा आँख खोल देते हैं। तो आप तो असली गुरु हमारे हैं, आप ज्ञान देते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपसे हम लोगों का जो उपकार हुआ है मैं उसको क्या बताऊं। अनन्य भाव से भजन करने वाले जोगीगण जन जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि दृढ़ भाव से बैर करने वाले असुरों को भी आप देते हैं। जस्मिन बैरानुबंधे न रूढ़े न विबुधे तरा बहो ले भिरे सिद्धिम यामु है कांतिक जोगिना। बड़े बड़े जोगियों को जो फल मिलता है वही आप दे देते हैं असुरों को भी। ये लोग झगड़ा करते रहते हैं फिर भी दे देते हैं। आप तो वास्तव में हमारे हितैषी हैं, मुझे दंड दे रहे हैं, बांध रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसकी मुझे कोई लज्जा है, न भय है, न व्यथा है। मान लीजिए कोई माँ हाथ में छुरी लेकर अपने बेटा को, छोटा बच्चा 3 वर्ष का, और उसको लेकर के या 2-2.5 वर्ष का बच्चा, उसको छुरा लेकर मार दूं, एकदम गर्दन के पास ला देती है, यहाँ पेट में लाती है, लेकिन वो डरता नहीं है, हंसता है और छुरा पकड़ लेता है। कभी कभी कुछ नहीं बोलता है, ना डरता है, ना कुछ चिल्लाता है। अगर दूसरा वैसा करेगा तो डर जाएगा, लेकिन माँ के हाथ से नहीं डरता है, जानता है कि नहीं मारेगी, ये माँ है, यह उसके मन में विश्वास है। उसी प्रकार भक्तों के हृदय में विश्वास होना चाहिए, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। कभी आप हमारा हित कर नहीं सकते, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे हितैषी हैं। चाहे आप मुझको बांध दीजिए या गाली दीजिए या ताड़न दीजिए, दंडित कीजिए, लेकिन मुझको कोई भय नहीं है, न मैं उद्विग्न हो रहा हूँ, न डर रहा हूँ। हे प्रभु, हमारे पितामह प्रहलाद की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है,
वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने उनको बहुत दुख दिया, बहुत विरोध किया, फिर भी वे आपके चरणों की भक्ति नहीं छोड़े। अब आपके ऊपर अपना जीवन समर्पित कर दिए। पिता महो में भवदीय सम्मत प्रहलाद आविष्कृत साधुवाद भवद विपक्षेण विचित्र वैशसम संप्रापित परम स्वपित्रा किए। हिरण्यकश्यपु कुछ भी किया वो आपके भजन नहीं छोड़े। मैं भी उसी परंपरा में हूँ प्रभु। किमात्मनाने न जहाति योन्तत किम रिक्त हारई स्वजनाख्य दस्यु भी किम जायया संसिति हेतु भूतया मर्तस्य गेहे किमिदा ईशो वय। प्रहलाद महाराज निश्चय कर लिए थे कि शरीर लेकर क्या करेंगे, जब एक न एक दिन मुझे छोड़ेगा ही तो इस शरीर को लेकर क्या करेंगे। आज जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए डाकुओं से हमारा क्या स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, स्वजन कहे जाने वाले डाकुओं से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। कमा कमा कर रखते हैं बस उड़ाता है। किम जायया संस्कृति हेतु भूतया, फिर पत्नी जो संस्कृति का हेतु है, जन्म मृत्यु का चक्कर पड़ा रहता है, उस पत्नी से क्या लाभ जब जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली है, उसके व्यामोह में पड़कर सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस प्रकार हे प्रभु, इन वस्तुओं से क्या स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। इन वस्तुओं के उलझन में पड़ जाने पर आयु समाप्त हो जाता है। ये धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, दुकान बिजनेस, स्त्री पत्नी बेटा बेटी, इसी चक्कर में सारा जिंदगी समाप्त। कि महायुषो व्यय, आयु व्यर्थ जा रहा है। तो इथम स निश्चित पिता महो महान अगाध बोधो भवतः पाद पद्म। इन सब बातों पर विचार करके मेरे पितामह प्रहलाद ने, आप लौकिक दृष्टि से उनके बंधु बांधों को नाश करने वाले शत्रु हैं, लेकिन इस बात पर विचार कर लिए और आपके अविनाशी चरण कमल का शरण ग्रहण किए। अगाध बोधो भवतः पाद पद्मम ध्रुवम प्रपद्ये यकुतो भयम जनाद भीतः स्वपक्ष छपणस्य सत्तम। इस तरह से प्रहलाद महाराज ने आपका चरण ग्रहण किया। हमारे पितामह ने सब तरह से आपके चरणों के आश्रम में आए। वास्तव में वे संसार से परम विरक्त अगाध बोध संपन्न उदार और संत शिरोमणि हैं। प्रहलाद महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं बलि महाराज। इदम कृतांतान तिकवर्ति जीवितम यया ध्रुवम स्तब्ध मतिर न बुद्धते। वो नहीं समझ पाता है कि हमें भी मरना है, एक दिन शरीर छूटने वाला है। तो इस प्रकार बलि महाराज कहीं रहे थे, तब तक प्रहलाद महाराज वहां आ गए। प्रहलाद महाराज जब आए तो प्रहलाद महाराज को देखकर बलि महाराज एकदम सकुचा गए। बनुर पास में बंधे हुए बलि उनकी पूजा नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए। उनके आंखों में आंसू छलक आया, सिर नीचा कर लिए लज्जा के मारे। भगवान को कहा हूँ देने के लिए न कि दे नहीं पाया, मुंह नीचा कर लिए, केवल सिर झुका कर नमस्कार किए। भगवान को देखते हैं प्रहलाद महाराज। नंद सुनंद आदि पार्षद हैं। प्रहलाद महाराज का शरीर एकदम प्रेम के उद्रेक से भर गया, आंखों में आंसू और शरीर में पुलकावली छा गई। आनंद से परिपूर्ण होकर सिर झुकाए, पृथ्वी पर सिर रखकर प्रहलाद महाराज भगवान को प्रणाम किए। और भगवान को प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, त्वयैव दत्तम पद्मैन्द मूर्जितम हृतम त्वयैवाद्य यथैव शोभनम मन्ने महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो विभ्रंशितो यश्री आत्ममोहनात्। हे प्रभु, आपने इस बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, आपने दिया था, और आज आपने ही छीन लिया। तो जिस प्रकार आपका देना उचित है प्रभु, उससे भी सुंदर है आपका लेना। इसको मैं बहुत भारी आपकी कृपा समझता हूँ। क्यों क्यों प्रहलाद, कृपा है इस तरह लेना? तो कहते हाँ, इसलिए मैं कृपा समझता हूँ कि जो धन संपत्ति आत्मा को अज्ञान में मोह में डालकर आपके भजन से अलग कर देती है राज लक्ष्मी, उस राज लक्ष्मी को भक्तों के
से बाहर कर देना, ये आपकी कृपा है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि बलि की संपत्ति ले ली। वास्तव में प्रभु राज लक्ष्मी से मत मदवाला पुरुष आपका, आपके भक्तों का अपमान करता है। वह ठीक ठीक अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता है। यद्यपि वह विद्वान है फिर भी नहीं पहचान पाता कि आप सबके हृदय में विराजमान भगवान है, परमात्मा रूप से, इस रहस्य को नहीं जानता है। यया ही विद्वान अपि मुह्यते जतः ततो को विचष्टे गतिमात मनोजथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वही नारायणाया अखिल लोक साक्षिणे। हे नारायण, हे अखिल लोक साक्षी, सबके हृदय में परमात्मा के रूप से विराजमान प्रभु को नहीं पहचान पाता है, जो धन से मतवाला हो जाता है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रहलाद महाराज अंजलि बांध कर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी आ गए भगवान से कुछ कहने के लिए। तो ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, कहना चाहते थे, तब तक विंध्यावली आ गई बलि महाराज की पत्नी, और वो भी कुछ कहना चाहती, कहने की ताता लगा हुआ है। अभी प्रहलाद बोल रहे हैं, तब तक ब्रह्मा जी भी आ जाए, प्रभु मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तब तक विंध्यावली भी आ गई, कहने की इतनी उतावला है मन में कि कुछ हम कह दे, हमारी बात भगवान सुन ले। तो ब्रह्मा जी आए, तब तक विंध्यावली पति को बंधा देकर भयभीत होकर भगवान के चरणों में आई और हाथ जोड़कर मुंह नीचा करके संकोच से वही पितामह है प्रहलाद, ब्रह्मा जी भी जगत पितामह, दोनों विशिष्ट बड़े मोस्ट सीनियर खड़े हैं। वही विंध्यावली आती है, भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और बोलने की चेष्टा करती है। जब वो बोलना चाहती है तो प्रहलाद और ब्रह्मा दोनों साइड दे दिए। कहती है, हे प्रभु, क्रीडार्थ मात्मन इदम त्रि जगत कृतम ते स्वाम्यम तु यत्र कुधेयो अपर ईश कुरियो कर्तु प्रभो स्तव किमयस्य आवहंती त्यक्त ह्रियस तद आरोपित कर्तृवादहा। हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत तो आपका क्रीड़ा स्थान है, आप खेलने के लिए, आप अपने आनंद के लिए इस जगत को बनाया है, और स्वाम्यम तू तत्र कुधियो अपर ईश कुरियो, जो कुबुद्धि लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, नॉन सेंस, वे लोग अपने को स्वामी मान लेते हैं। ये है जगत आपका, आपने बनाया, अपने आनंद के लिए बनाया, लेकिन बुद्धिहीन लोग इसको अपना बना लेते हैं। और जब आप ही इसके कर्ता है, भरता है, कर्तु प्रभो तव कियम अस्य आवहन्ति, जब आप ही इस जगत की सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला है, तब आपकी माया से मोहित होकर झूठ मूठ के मूर्ख लोग अपने को विद्वान मान लेते हैं, अपने को कर्ता मान लेते हैं। ऐसे कर्ता मानने वाले निर्लज, जिनको कोई संकोच नहीं है, लज्जा नहीं है, त्यक्ता ह्रिय, लज्जा छोड़ चुके हैं, तद आरोपित कर त्रिवाद, आपकी बनाई हुई सृष्टि में, आपके बनाए हुए जगत में अपने को कर्ता मान लेते हैं, ऐसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? सब कुछ आपका है, आप इस जगत को बनाए हैं, आप पालन करते हैं, प्रतिदिन सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, हवा के रूप में, जगत को जो जीने की वस्तु प्रदान करते हैं वो आप करते हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग जो अपने को स्वामी मान रहे हैं वो क्या दे सकता है? मतलब अपने पति को निर्लज बना रही है। बुद्धि वाले को केवलम कृपया विमुच्य, कृपा करके छोड़ दीजिए, पालयति, आप जगत के पालन करने वाले हैं, पालन कीजिए प्रभु, ये कुछ नहीं दे सकता, इस तरह से विंध्यावली कह रही है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुचैनम हित सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रह। संपूर्ण प्राणियों के जीवन देने वाले, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव, हे प्रभु देवादि देव, आप संपूर्ण जीवों के पालन करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, सबके स्वामी हैं, इसे छोड़ दीजिए, इसने आपको सब कुछ दे दिया, ये दंड का पात्र नहीं है, जो भी इसके पास है वो दे दिया प्रभु, इसने अपनी सारी भूमि दी, सारे पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग दे दिया, सब कुछ दे दिया, अपने आत्मा तक को समर्पित कर दिया, फिर भी धैर्य से च्युत नहीं हुआ, सब कुछ दे रहा है प्रभु,
और आप तो थोड़ा सा दुर्वा दल, थोड़ी सी तुलसी की पत्ता एक और एक अंजलि पानी देने पर विक्रीड़ित दास हो जाते हैं। और आज बेचारा सब कुछ दे दिया फिर भी बांध कर रखे हैं, ये उचित है? न्याय है? यत पादयोर षठधि सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतिम समर्प्याम अप्यु तमाम गतिम असौ भजते त्रिलोकिम दासवान विक्लव मना कथमार्ति मृक्षेत। हे प्रभु, इसको क्यों आप ऐसे दुख दे रहे हैं? दुर्वा दल और थोड़ा सा जल में आप उत्तम गति देते हैं, फिर बलि ने बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य से, स्थिरता से, उत्साह से, श्रद्धा पूर्वक आपको सब कुछ दे दिया, संकोच नहीं किया, सब कुछ दिया है, फिर भी आप इसको दंडित कर रहे हैं, यह उचित है? जगत पिता पूछ रहे हैं ब्रह्मा। तब भगवान बोलते हैं, ब्रह्मन यमनु गृहणामि यद विशो विधनो मिहम। हे ब्रह्मा, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। क्यों क्यों धन छीनते हैं? इसलिए छीनता हूँ कि यन मदह पुरुष स्तब्धो लोकम माम चाव मन्यते। इस धन के कारण वो लोगों का तिरस्कार करने लगता है, मतवाला हो जाता है, मद में हो जाता है, मेरा और मेरे भक्तों का अपमान करता है। इसलिए कृपा जब करता हूँ तो धन ले लेता हूँ। नारायण जिस पर कृपा करता देत तीन महादान, रोगी और निर्धन करता जग में हो तपमान। जन्म कर्म बयो रूप विद्यश्वर धनादि भी यज्ञ न भवे स्तंभ तत्रायम मद अनुग्रह। जब किसी को धन से, उत्तम परिवार में जन्म लेने से, पढ़ाई लिखाई से या बहुत बड़ा बड़ा कर्म करने से अहंकार हो जाता है, लेकिन जब मैं कृपा करता हूँ तो ये सब कुछ रहने पर भी कुछ नहीं होता। जब मेरे द्वारा वो धन दिया जाता है, मेरी इच्छा से उसे विद्या प्राप्त होती है, जो भी ऐश्वर्य मिलता है उससे वो स्तंभ नहीं होता, उस पर जड़ता नहीं आती है। मेरी कृपा जब होती है तो मेरे कृपा से सब नहीं होता है। ये सब प्राप्त करने के बाद भी स्तंभ जड़ता नहीं आई तो समझ जाइए कि मेरी बहुत बड़ी कृपा है उस भक्त के। ब्रह्मा जी, आप देख लीजिए थोड़ा बलि को, इस बलि का क्या नहीं हुआ फिर भी एकदम धैर्य का पहाड़ है, हिमालय की तरह अड़ा हुआ है। अभी अभी इसका धन मैंने छीन लिया, इसके गुरु भी इसको श्राप दे दिए, इसके साथी भी इसको छोड़कर चले गए, फिर भी मोहित नहीं हुआ, अभी भी अड़ा हुआ है। तरह तरह के आक्षेप मैंने किया, इसको बंधवा दिया रस्सी में, इसको डांटा, इसको फटकारा, सब कुछ किया, लेकिन यह दृढ़ व्रती मेरा भक्त बलि धैर्य में बंधा हुआ है, मैं दूंगा, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगा, यह सत्यवादी अब तक अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैं इसी प्रकार अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए, अपने भक्त की महिमा जगत में स्थापित करने के लिए ऐसा करता हूँ। गुरुणा भर्षित सब तो जहु सत्यम न सुब्रत छलई रुक्तो मया धर्मो नायम त्यजति सत्यवाक। यह सत्यवादी अपने पथ से विचलित नहीं हो रहा है। ए समय प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अमरैरपि, मैं तो इसको ऐसा धन देने जा रहा हूँ, ऐसी संपत्ति जो देवताओं को लिए भी बड़ा दुर्लभ है। अभी इसको सूतल लोक की संपत्ति दूंगा और सावर्णी मनवंतर में इंद्र बनेगा मेरी कृपा से। विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया सूतल लोक, जहाँ मेरी कृपा दृष्टि बनी हुई है, वहाँ किसी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, दैहिक किसी प्रकार का थकावट नहीं, दुख नहीं, रोग नहीं, कोई शत्रु नहीं, कुछ नहीं, वहाँ सब तरह से सुख है ही सुख है। इसलिए हे इंद्रसेन, हे महाराज बलि, इंद्रसेन संबोधित करते हैं, इंद्रसेन महाराज, हे महाराज इंद्रसेन, जाहि भो भद्र मस्तुते, आप जाओ सूतल लोक, आपका कल्याण हो। सूतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्य, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उस सूतल को चाहेंगे, ज्ञात भी परिवारित। अगर बलि महाराज कहे कि प्रभु अकेले वहाँ सूतल लोक में अकेले जाऊं, नहीं नहीं पूरा परिवार लेकर जाओ, और वहाँ कोई भी तुमको पराजित नहीं कर पाएगा, अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा तो मेरा चक्र उन दुष्टों का गर्दन उतार देगा। दैत्यान चक्रम में सुदैष्यति, मेरा चक्र तुम्हारे साथ रहेगा, कोई तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलेगा। भगवान कह रहे हैं कि जहां तुम दृष्टि डालोगे वहीं मैं दिखाई दूंगा, तत्र माम दक्षते भवान, आप मुझे सर्वत्र देखेंगे। और वहां पर
दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारे अंदर आसुरी बुद्धि नहीं होगी। जो कुछ भी आसुर भाव अगर अंदर आता है तो हमारे उपस्थिति से सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से बलि महाराज के साथ भगवान बोल रहे हैं और ब्रह्मा जी को भी, तो ब्रह्मा जी को भी सुना दिए, प्रहलाद महाराज भी सुन रहे हैं, विंध्यावली सुन रही है, वहां उपस्थित और लोग भी सुन रहे हैं जो हैं भगवान के परिकर सुन रहे हैं पार्षद। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह सुनकर दैतराज बलि के आंखों में आंसू आ गया, प्रेम के उद्रेक से गला भर गया, हाथ जोड़कर गदगद मारी से भगवान के चरणों में प्रार्थना किए, अहो प्रणामाय कृता समुद्यमा, हे प्रभु मैंने तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, अभी प्रणाम करने का उद्यम भर किया था। जब शुक्राचार्य जी कहे कि साक्षात विष्णु है, परिचय दिए कि तुम किसको दान देने जा रहे हो, विष्णु है, तो उसी समय हमारे मन में आ गया था कि मैं प्रणाम कर लूं दंडवत, भगवान है लेकिन मैं प्रणाम नहीं कर पाया। चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि प्रणाम कृता समुद्यम, प्रणाम के लिए केवल उद्यम कर किया था, मन में सोचा। आप प्रपन्न भक्तों की वंशा पूर्ण करते हैं और यह बात आज मैं समझ गया, वास्तव में आज मैं समझ गया कि आप भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। मैं प्रणाम करने के लिए सोच रहा था, ब्राह्मण के रूप में यहाँ आप उपस्थित हुए हैं, यह गुरुमुख से सुनकर मेरे मन में आपको प्रणाम करने की इच्छा हुई थी, लेकिन उस असुर समाज से और कृष्ण विमुख गुरु के भय से मैं प्रणाम नहीं कर पाया। हाय हाय, केवल मेरे मन में संकल्प भर आया था कि मैं आपको प्रणाम करूं, इसीलिए आप इस प्रकार से प्रसन्न हो गए। केवल मेरे प्रणाम की इच्छा जानकर आप इतना फल दे रहे हैं। यह लोकपाल ही, लोकपाल आदि पहले किसी को प्राप्त नहीं हुआ, मेरे सिर पर वह श्री चरण अर्पित कर दिए। मेरे जैसा रजस स्वभाव आसुरी भक्तों के प्रति, असुरों के प्रति आपकी ये कृपा। बलि महाराज कह रहे हैं कि मैंने प्रणाम नहीं किया, केवल प्रणाम की संकल्प किया और उसका परिणाम यह हुआ। इतना कह रहे थे हाथ जोड़े जोड़े, तब तक अपने आप वरुण पास खुल गया, जो सर्प थे सरक कर निकल गए अपने से भगवत इच्छा से। और इसके बाद ब्रह्मा जी के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किए। इसके बाद भगवान आज्ञा दिए कि सूतल लोक जाओ, फिर भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो सूतल लोक चले गए। तो इस प्रकार एवं इंद्रम भगवान प्रत्यानिका त्रिपिष्टपम, यह संपत्ति लेकर वामन देव ने इंद्र को दे दिया। और जब प्रहलाद महाराज देखे कि मेरा पौत्र बंधन से मुक्त हो गया, भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया, भगवान इसके सिर पर चरण रखे, तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, ओहो हे प्रभु, ये कैसी बड़ी कृपा, कहां से किस पुण्य का फल है। नेमम विरिंचो लबते प्रसादम, न श्री न सर्व किमुता परेते, यन्नो सुराणा मसी दुर्ग पालो विश्वा भी बंदे रपि बंदितांघ्री। हे प्रभु, यह कृपा प्रसाद आप कभी ब्रह्मा को नहीं प्रदान किए, न लक्ष्मी जी को, न शंकर जी को ऐसी कृपा मिली। दूसरों की बात क्या है, हे ये विश्व बंद ब्रह्मा, जिनके चरणों की वंदना करते हैं वही प्रभु हमारे दुर्गपाल बने हुए हैं। ये किस कृपा का फल है प्रभु, आप में कोई भेदभाव नहीं है, आप सम दृष्टि वाले हैं, वास्तव में आप कल्प वृक्ष के समान हैं, जो आपके शरण में जिस भावना से आता है उसकी इच्छा पूर्ति होती है। आप में पक्षपात नहीं है कि ब्राह्मण है ये, शूद्र है ये, देवता है ये, असुर है, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तुम भी जाओ, अपने पौत्र का उत्साह बढ़ाओ, सूतल लोक में जाओ, अपने बंधुओं के साथ आनंद से रहो, वहां तुम मुझे नित्य दर्शन करोगे, मेरे सानिध्य का अनुभव करोगे, कोई कर्म बंधन नहीं होगा, जैसा सुख तुमको अपने दिव्य लोक वैकुंठ में है उसी तरह का सुख यहाँ है, तुम वहां दर्शन करोगे, जाओ। शुक्राचार्य जी से भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, ये आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, लेकिन मेरे उपस्थिति से यज्ञ बीच में ही खड़मंजिल हो गया। सौवा यज्ञ था, सौ अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा तो आपका शिष्य इंद्र बनेगा, लेकिन
मेरे आने से इसमें बाधा पड़ गया, यज्ञ नहीं हो पाया, इसलिए हे ब्राह्मण आपके शिष्य के यज्ञ में जो त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, उसको आप पूरा करा दीजिए। क्योंकि जो भी कर्मों में भूल चूक होती है वो ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। ब्राह्मण संत अनुशिष्य से कर्म छिद्रम वितनवत यत तत् कर्मसु वैश्यम्यम ब्रह्म दृष्टम समम भवेत। तब देखिए शुक्राचार्य जी तीन श्लोक बोले हैं बहुत महत्वपूर्ण। कुतस तत्कर्म वैषम्य जस्य कर्म सरो भवान यज्ञेशो यज्ञ पुरुष सर्व भावेन पूजित। कहते हैं हमारे शिष्य के यज्ञ में कमी, जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, जो कर्म का मालिक है, कर्मेश्वर है, तो सारे कर्मों का जो स्वामी है वही आप हैं। और यज्ञेशो यज्ञ के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है वो यज्ञेश आप हैं, आप यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ में जिनकी आराधना की जाती है वही आप हैं। और आप सर्वभावेन पूजित, हमारे शिष्य ने आपका सब प्रकार से पूजा किया, सारे धन संपत्ति को आपके चरणों में समर्पित किया, इसके बाद भी यज्ञ में कमी रह गई। अरे मंत्र की कमी, तंत्र की कमी, वस्तु की कमी, देश की कमी, पात्र की कमी, काल की कमी, सारे कमी को आपका नाम संकीर्तन पूरा कर देता है और स्वयं आप यहाँ उपस्थित हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। सारे कमियों को सर्वम करोति निश्छिद्रम, उस यज्ञ में कीर्तन किया जाता है, माला पर नाम जपा जाता है। क्यों? कि यज्ञ में बची खुची जो कमी बेसी है उसको नाम कीर्तन पूरा कर देता है। आपके नाम कीर्तन में इतनी बड़ी शक्ति है कि यज्ञ के छिद्रों को पूरा करता है और स्वयं आप इस यज्ञ में सर्व भावेन पूजित, फिर इसमें क्या कमी रह गया? किसी प्रकार की कमी नहीं है। तथापि बदतो भूमन करिष्याम्यानुशासनम, फिर भी हे भूमन, हे प्रभु, हे अनंत, आप जब स्वयं कह रहे हैं इस यज्ञ को कमी को पूरा करो तो करिष्याम्यानुशासनम, मैं आपके अनुशासन को मानूंगा, आपकी आज्ञा को पूरा करूंगा। क्यों? तो एक बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं। यत् श्रेयः परम पुंसाम यत् तवाज्ञानुपालनम, हे प्रभु, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी साधन है आपकी आज्ञा का पालन करना। मनुष्य के जीवन में अगर कोई कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग है तो वह है आपकी आज्ञा का पालन। इसलिए आप मुझे डायरेक्ट आज्ञा दे रहे हैं तो जरूर मैं करूंगा। यह सिद्धांत बोल रहे हैं कि जीवन में पुरुषों के लिए, मनुष्य के लिए सबसे श्रेयस्कर, सबसे कल्याणप्रद कोई काम है तो वह है भगवान की आज्ञा का पालन। तब आज्ञानुपालनम, आपकी आज्ञा का पालन। इसलिए प्रभु मैं जरूर करूंगा, अपने हित के लिए करूंगा, अपने मंगल के लिए करूंगा। आपकी आज्ञा पालन करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। इस तरह से शुक्राचार्य जी स्वीकार करते हैं। कितना सुंदर सिद्धांत दे दिए। जब उधर गृहस्थी की धन की रक्षा करने की बात थी तो शुक्र इंद्रिय गृहमेधियों के लिए, यहाँ वैष्णवों के लिए सिद्धांत दे रहे हैं। ये सिद्ध कर रहा है ना कि शुक्राचार्य बहुत बड़े वैष्णव हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कवि नाम उसना कवि, विद्वानों में, कवियों में, जानकार व्यक्तियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। तो इस तरह शुक्राचार्य जी अपनी वैष्णवता का परिचय दे दिए, नाम कीर्तन की महिमा बताए, किसी प्रकार की कमी को पूरा नाम संकीर्तन करता है। कहीं किसी तरह के यज्ञ हो, कुछ भी हो, जब तक नाम कीर्तन नहीं हुआ तो समझ जाइए यज्ञ अधूरा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार शुक्राचार्य ने इस यज्ञ को पूरा किया। देवराज इंद्र वो संपदा प्राप्त किए, विमान पर लेकर वामन देव को गए और सारे भृगु, दक्ष, अंगिरा, मनु, सनत कुमार, शिव जी और सभी लोग मिलकर, ब्रह्मा आदि सभी, भगवान वामन देव को सभी लोगों के लोकपाल के रूप में सबसे श्रेष्ठ पद पर मन्वंतरावतार के रूप में इनको स्थापित करके अभिषेक किए।
इंद्र को तो स्वर्ग मिल गया लेकिन वामन भगवान को राष्ट्रपति पद दिया गया सबसे ऊपर का, और उनका भी अभिषेक किया गया, सभी लोग मिलकर किए। सब लोग जब भगवान का अभिषेक हो गया उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। इस प्रकार यह भगवान की अद्भुत लीला है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनंत लीला है भगवान का, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। वशिष्ठ जी कहे हैं, उनका एक मंत्र है, भगवान के गुणों पर पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के कण को गिन चुका है। ऐसा पुरुष कभी नहीं हुआ न होगा जो भगवान की महिमा को बतला दे कि बस इतना है, नेति नेति कही वेद पुकारे। इस प्रकार देवताओं की आराध्य भगवान की अद्भुत लीला अवतार कथा का जो श्रवण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। देव जग, पितृ जग, मनुष्य जग, किसी भी कर्म में, किसी भी अनुष्ठान में भगवान वामन देव की कीर्तन करना चाहिए, इससे उसके कर्म में सफलता मिलती है। क्रियमाणे कर्मणीन्दम दैवे पितेथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्ते तब तेषां सुकृतम विदुः। किसी भी कार्य में बलि वामन की कथा को कहने से वो काम सफल होता है। बड़े बड़े महात्माओं का ऐसा अनुभव है। सुकृतम विदुः, जो पुण्यवान लोग हैं, पवित्र लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार बलि महाराज का ये अद्भुत प्रसंग पूरा हुआ। इसके बाद महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, भगवान के बड़े अद्भुत कर्म हैं, बहुत विचित्र विचित्र लीला किए, हमें सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। वैसे एक और जिज्ञासा है मेरे मन में कि भगवान मत्स्य योनि क्यों स्वीकार किए, ये तो अत्यंत निंदनीय योनि है। सर्व शक्तिमान भगवान कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह मत्स्य योनि क्यों स्वीकार किए। सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन प्रारंभ किया, कहते हैं कि भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं। गो विप्र सुर साधु नाम छंद साम पिछेश्वर रक्षा मिक्षन तनु धत्ते धर्म से अर्थ से चय वही। तो पिछले कल्प में जब ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था, एक दिन जब एक कल्प में ब्रह्मा जी सोते हैं तो उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए, ब्रह्मा जी की नींद आ रही थी, उसी समय उनके मुख से वेद निकल पड़ा, तो उनके साथ दैत्य उनको चुराने का कोशिश किए, तो सर्वशक्तिमान भगवान उन दैत्यों को मारकर वेद की रक्षा किए, और फिर उन्होंने ही वही प्रभु मत्स्यावतार धारण किया। उस समय सतव्रत नामक एक भगवत परायण राजा थे और वे केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। जो इस समय वर्तमान मनवंतर में विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव वैवस्वत मनु के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो वर्तमान सातवें मनवंतर के मनु हैं, यही इसके पहले वाले कल्प में सतव्रत नामक राजा थे और तपस्या कर रहे थे कृतमाला नदी में। एक दिन तो कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते समय डुबकी लगाए तो तर्पण जब कर रहे थे, जल उठाए तर्पण के लिए एक छोटी सी मछली आ गई इनके हाथ में, तो उसको गिरा दिए। मछली बड़ी करुण स्वर में बोलने लगी, हे राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं, आप मुझे रक्षा कीजिए, मैं छोटा छोटी जीव हूँ, छोटी प्राणी हूँ, आप जानते हैं इस जल में बड़े बड़े प्राणी भी हैं, बड़े बड़े जलचर हैं, और बड़े जलचर छोटे को खा जाते हैं, मुझे बड़ा भय लग रहा है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब कहे अच्छा ठीक है, तो अपने कमंडल में रख लिए उसको और कहे चलो ले चलेंगे आश्रम में, उधर किसी पानी में डाल देंगे इसको, जब सयाना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो किसी सरोवर में डालेंगे। तो वहां ले गए और रात भर में कमंडल के भीतर इतना बढ़ गए कि अब कोई जगह ही नहीं था। सुबह जब देखे राजा तो कमंडल में एकदम पैक, थोड़ा भी जगह नहीं है, और बोल रहे हैं कि यह तो बहुत कम है प्रभु। तब बड़ा टब में डाले, वहां डाले तो थोड़े ही देर में देखते हैं दो घड़ी के अंदर वो बड़ा हो गया। कहा कि ये हमारे लिए बड़े कम जगह है, मुझे कोई बड़े पानी में डालिए। तब एक सरोवर में ले गए, सरोवर में जब डाले तो वहां देखे कि विशाल रूप में बढ़ गए, विशाल मत्स्य रूप में। तो सत्यव्रत महाराज कहे कि अरे ये छोटा जलचर प्राणी है,
प्रभु आप बताइए आप हैं कौन, इस मछली के रूप में कल से आज तक कितना विकास। कल तो रो रहे थे कि हम छोटे जलचर हैं, जंतु हैं, बड़े लोग हमको खा जाएंगे। और आज आपके लिए समस्या है कि सारा जगह छोटा पड़ता जा रहा है, एक दिन में ही इतना परिवर्तन हो रहा है। ये मत्स्य रूप धारण करने वाले आप हैं कौन, ये रहस्यमय लीला करने वाले ये हमारे आराध्य प्रभु हैं, आप हैं कौन, समझ गए। तब भगवान बोलने लगे कि देखो सत्यव्रत, अब बस तत्काल प्रलय होने वाला है, इतना पानी बढ़ेगा समुद्र मर्यादा छोड़ देगी, सारा डूब जाएगा, ऊपर से भी बहुत बारिश होगा, ये नदी पहाड़ हिमालय सब डूब जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला है। और उसमें इसके पहले तुम सारे औषधियों के सारे बीज को ले लो और उनको साथ लेकर के तैयार हो जाओ, आज के ठीक सातवां दिन प्रलय जल आएगा, सबको डुबाएगा, और तुम्हारे सामने एक नौका आएगा बहुत विशाल, और सारा सामान थोड़ा थोड़ा उस पर अपना रख लेना, नौका पर सारे औषधियों का बीज सब कुछ रख लेना, और जब नौका पर रहकर खुद चढ़ जाना, पानी से भयभीत मत होना, आएगा नौका तुम्हारे पास, उसी पानी में नौका तैरता रहेगा, कहते नहीं मैं भी आऊंगा और मैं इसी रूप में आऊंगा, विशाल मत्स्य रूप में, और मेरे सिर पर एक सिंह होगा और उस सिंह में वासुकी को लेकर के और नौका को मेरे सिंह से बांध देना, बांध करके और हम लोग रात भर जब तक ब्रह्मा जी सोए रहेंगे, एक कल्प तक जो रात्रि रहेगी उसमें हम लोग नौका विहार करेंगे, हम आपको लेकर घूमेंगे उसी जल में, और हम और आप भक्त और भगवान बातचीत करेंगे, शास्त्र की चर्चा करेंगे, नौका विहार करेंगे, और अपने साथ नौका पर ऋषि मुनि साधु संतों को भी ले लेना। तो इस प्रकार भगवान कह करके चले गए। अपनी मर्जी से आनंद विहार करने के लिए जैसे श्री कृष्ण चंद्र आते हैं, इस प्रकार ये मत्स्यावतार भी लीला अवतार है, आनंद विहार के लिए भगवान की अपनी मर्जी आ गए और इस तरह से लीला किए, और लीला करके उसी नौका पर घूमते घूमते सत्यव्रत महाराज से विविध प्रकार की शास्त्र आलोचना किए, और सत्यव्रत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर 8 श्लोकों में भगवान की महिमा गाए हैं, और वास्तव में भगवान को गुरु के रूप में स्मरण किए हैं, इसको गुरुवाष्टक भी कह सकते हैं। ये 8 श्लोक गुरुवाष्टक है, कहते हैं अन्याद विद्यो पहतात्म संविद तन मूल संसार परिश्रमातुरा, यदि क्षय हो प्रसिता यमापनुयु विमुक्ति दो न परमो गुरु भवान। हे प्रभु, संसार के जीवों को आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक दिया गया है, इस कारण वे संसार में अनेक क्लेशों को भोग रहा है, पीड़ित हो रहा है। जब वह आपकी कृपा से आपके शरण में पहुंच जाता है तब आपको प्राप्त करता है, आप जब कृपा किसी जीव पर करते हैं तब वो आपको प्राप्त करता है, इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। आप ही जब अज्ञान ग्रस्त जीवों को उपदेश करते हैं गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में प्रेरणा प्रदान करते हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में, तभी जीव आपका भजन कर सकता है, आप ही वास्तव में मुक्ति दिलाने वाले परम गुरु हैं। जनो बुधो यम निज कर्म बंधना सुखे क्षया कर्म समीहिते सुखम यत सेवया ताम विधनो त्यन सन्मति ग्रंथिम सभिंदा हृदयम सनो गुरु। जीव अज्ञानी है, अपने कर्म बंधन में फंसा हुआ है, वह सुख के इच्छा के लिए विविध दुखमय कर्मों को करता है, जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, जिनके कृपा से अज्ञान नष्ट हो जाता है, वही मेरे परम गुरु आप हैं, मेरे हृदय की गांठ खोल दीजिए, आपकी ही सेवा से व्यक्ति का ज्ञान दूर होता है, दुख दूर होता है। हे प्रभु, जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर होते हैं और उसका स्वरूप निखरता है, वैसे आपकी सेवा से व्यक्ति का ज्ञान दूर होता है। जब तक आपकी सेवा न किया जाए,
तब तक जीव का स्वरूप निखर कर नहीं आता है, जीव का ज्ञान दूर नहीं होता है। इसलिए हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हमारे गुरु हैं, सारे गुरुओं के गुरु आप हैं। इस प्रकार जितने भी देवता, श्रेष्ठ जन, गुरु जन, संसार के दूसरे जीव, यदि सब स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी अगर किसी पर कृपा करके 10,000वें अंश के अंश को भी बराबरी नहीं कर सकते, हे प्रभु वही आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप जितना हित कर सकते हैं उतना हित दुनिया के सारे गुरु मिलकर नहीं कर सकते। जितने भी देवता हैं, तथा कथित गुरु हैं, संसार के जितने जीव हैं, सब मिलकर कृपा करें, फिर भी आपकी कृपा के 10,000वें अंश भी नहीं है। आप यदि कृपा करते हैं तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इतने तथा कथित गुरु बनकर दूसरों को ठग रहे हैं, उनके विषय में कह रहे हैं। जो वैष्णव हैं, वास्तव में भगवान के ज्ञान को एज इट इज प्रस्तुत करते हैं, उनके विषय में नहीं कह रहे हैं। जो दुनिया भर के गुरु बनकर चल रहे हैं, उनके ऊपर इनका व्यंग है। कहते हैं ऐसे लोग जिनको वास्तव में ज्ञान नहीं है, फिर भी अग्रगणी गुरु बने हुए हैं। अचक्षुरंधस्य यथा ग्रणी कृत तथा जनस्य विदुषो बुधो गुरु तम अर्क दिक् सर्व दिशा समीक्षणो वृतो गुरु न स्वगतिम विभूत सताम। हे प्रभु, जैसे कोई अंधा अंधे को पथ प्रदर्शक बना ले, खुद अंधा है अंधे को ही गुरु बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को अपना गुरु बना लेता है। वो विषय भोगता है और वैसे विषयी को गुरु बना देता है, और वो दोनों गिरते हैं। अब जो आंख ही नहीं है तो रास्ता क्या बताएगा। तो आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश, इंद्रियों की प्रेरणा देने वाले हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको गुरु के रूप में वर्णन करते हैं। वास्तव में आप ही परमात्मा रूप में भीतर ज्ञान देते हैं, आप ही बाहर वैष्णवों के अंदर ज्ञान देकर गुरु के रूप में उपदेश करते हैं। जब तक आपका तत्व एज इट इज नहीं पता है, परंपरा से नहीं पता है, कोई किसी का हित नहीं कर सकता। आप ही वास्तव में गुरु हैं। अज्ञानी मनुष्यों को जिस प्रकार ज्ञान का उपदेश करता है वह भी अज्ञान है। अज्ञानियों को जो ज्ञान दिया जाता है स्कूल कॉलेज में, चारों तरफ सब अज्ञान है, और उसके द्वारा संसार के घोर अंधकार बढ़ता जाता है, समाप्त नहीं होने वाला है। परंतु आप अविनाशी हैं, अमोघ ज्ञान संपन्न हैं, और वास्तव में आप जब कृपा करते हैं तब जीव को स्वरूप का ज्ञान होता है। प्रपद्यते जिन जनो निजम पदम, जीव को अपना स्थान पता चल जाता है जब आप कृपा करते हैं। तो आप ही जीवों के सुहृद हैं, सच्चे हितैषी हैं, गुरु हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। आप हृदय में विराजमान परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन आपके रहस्य को लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप देवताओं के आराध्य परम पूज्य परमेश्वर, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरण में आया हूँ। हे भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाले हैं, अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए, अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए, नहीं आप उपदेश कीजिए। जब सामने भगवान है तो उनसे जिज्ञासा करना यथोचित है। तो इस प्रकार सतव्रत महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। तो जब सतव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना किया, मत्सावतार भगवान मत्स्य रूप में उनको आत्म तत्व का उपदेश किए, वर्णन किए, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, सारे दिव्य ज्ञान पुराणों के सार तत्व को भगवान बतलाए, जिसको तत्वेता लोग मत्स्य पुराण के रूप में जानते हैं। जो भगवान ने उपदेश किया है वो मत्स्य पुराण में है। यहाँ कहा गया पुराण संहिताम दिव्याम संघ जोग क्रियावतीम, तो पुराण संहिता मत्स्य पुराण के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से यह भगवान मत्स्यावतार के लीला विहार है, स्वयं आनंद विहार। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है वो सिद्ध संकल्प हो जाता है, उसका संकल्प पूरा हो जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। सतव्रत मुनि को सप्तर्षियों के साथ ब्रह्म तत्व का उपदेश किए, वही लीला मत्स्य भगवान जो समस्त जगत के परम कारण हैं, गुरु हैं,
उनको हम नमस्कार करते हैं। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी उनके चरणों में नमस्कार करके ये मत्स्यावतार की कथा समाप्त करते हैं। और इसके बाद नौवा स्कंध में राजर्षियों का वर्णन है, दो पवित्र वंश का वर्णन हुआ है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा है कि वर्तमान मनु जो हैं वैवस्वत मनु सूर्य पुत्र श्राद्ध देव, इनके वंश में भी पवित्र कीर्ति राजा हुए, भगवान के भक्त हुए, तो कृपा करके उनका वर्णन कीजिए। वैवस्वत मनु के वंश परंपरा की कथा 13 अध्याय तक कहेंगे। नौवे स्कंद में 13 अध्याय में कथा है। पहले अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्र सुदुम्न की कथा है। फिर दूसरे अध्याय में इसी मनु के 7 पुत्रों की कथा है संक्षेप में। फिर तीसरे में सरयाती 54 की कथा। चौथे में नभग और नाभाग पुत्र अम्बरीश की कथा है। और पांचवे में दुर्वासा जी के दुख की निवृत्ति की कथा है, अम्बरीश के प्रति जो अपराध किए थे। फिर आगे इक्ष्वाकु और मंधाता सौभरी की कथा। फिर आगे सगर महाराज और भगीरथ के द्वारा गंगा अवतरण। फिर 2 अध्यायों में भगवान श्री राम की कथा है जो सूर्य वंश को अलंकृत किए, भगवान इस सूर्य वंश में श्री राम के रूप में आए। और फिर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है। फिर 13वां में महाराज निमि का। 9 स्कंद में 24 अध्याय है और इस 24 अध्याय में 13 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है और बाकी के 11 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन है। तो का प्रश्न है कि वर्तमान मनु के वंश परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाइए, इसमें कौन कौन तेजस्वी राजा हुए और वो किस प्रकार से उनकी पवित्र कीर्ति का वर्णन हुआ है उसको सुनाइए। भगवान के भक्त हुए हैं इसलिए जिज्ञासा है। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ भगवान से करते हैं, सूर्य वंश का भी और चंद्र वंश का, सारा वंश भगवान से निकला है। देखिए परलय काल में केवल परम पुरुष रहते हैं, यहां से प्रारंभ करते हैं। उनके नाभि से सुवर्णमय कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया और ब्रह्मा ने प्रजापतियों की सृष्टि करने लगी। तो ब्रह्मा जी अनेक प्रजापतियों की सृष्टि किए, उसमें मरीचि जी हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप की धर्म पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति के गर्भ से विवस्वान का जन्म हुआ सूर्य का। तो भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद मरीचि, मरीचि के बाद कश्यप, कश्यप के बाद सूर्य। इंद्र आदि भी इनके लड़के हैं, 12 पुत्र हैं अदिति के, उसमें विवस्वान सूर्य। अब विवस्वान की 2 पत्नियां प्रसिद्ध है, एक संज्ञा और एक श्रद्धा। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ, श्रद्धा नामक पत्नी से वैवस्वत मनु ने श्राद्ध देव ने अनेक पुत्र उत्पन्न किए जिसमें इक्ष्वाकु, नृग, सरयाती, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषद, नभग और कवि। पहले वैवस्वत मनु संतानहीन थे, बाद में बहुत यज्ञ आदि किए वशिष्ठ जी के कृपा से तब पुत्र हुए। तो वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया, मित्रा वरुण यज्ञ। वैवस्वत मनु चाहते थे हमें पुत्र हो, लेकिन श्रद्धा चाहती थी कि हमें पुत्री हो। श्रद्धा देवी होताओं से आग्रह की कि हमें पुत्री चाहिए, तो ये लोग ऐसा हवन किए, ऐसा आराधना किए, यज्ञ किए कि एक लड़की हुई इला नामक लड़की। जब लड़की हुई तो श्राद्ध देव असंतुष्ट हो गए, अरे हमने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया, ये पुत्री कहाँ से हो गई। अब इनके मन में बड़ा दुख हुआ, जा करके कहने लगे वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ, हम तो पुत्र के लिए यज्ञ कराए, पुत्री कैसे हो गई। तो भगवान हरि की आराधना किए वशिष्ठ जी और भगवान से प्रार्थना किए कि इनको पुत्र दीजिए। तो भगवान के कृपा से वो इला सुदुम्न नामक राजकुमार हो गई। एक बार की घटना है, सुदुम्न शिकार खेलते हुए कुछ मंत्रियों के साथ, साथियों के साथ वन में चल दिया और उनके साथ सब घोड़े पर सवार थे। शिकार करते करते, हरिण की पीछा करते करते एक जंगल से दूसरा जंगल इधर उधर जाते हुए इलावृत क्षेत्र में प्रवेश कर गए। तो इलावृत क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो
तो जब ही इलावृत क्षेत्र में प्रवेश किए, भगवान शिव के द्वारा जो आरक्षित क्षेत्र था, यहाँ जो आएगा स्त्री हो जाएगा, तो वहाँ जाते ही वो राजकुमार राजकुमारी हो गया, घोड़ा घोड़ी हो गई, और जितने साथ में मंत्री थे सिपाही थे सब महिला पुलिस हो गए, सब आपस में एक दूसरे को देखने लगे, अरे ये क्या हो गया। इस प्रकार महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि इस तरह कैसे हो गया प्रभु। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान शिव के आरक्षण की कथा कहते हैं कि इस तरह से वो क्षेत्र आरक्षित है, केवल वहाँ स्त्रियां रह सकती है, जो पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। अब बेचारे संकोच से इस वन से उस वन में घूमने लगे, इस तरह से घूम रहे थे। अब राजकुमार राजकुमारी हुए हैं, बहुत सुंदर शरीर है। तब तक चंद्र कुमार बुध एक दिन वन में घूमते हुए आ गया, तो बुध जब देखा एकदम सुंदर राजकुमारी, तो जिज्ञासा किया कि देवी तुम कौन हो और किसकी बेटी हो, कहाँ इस तरह वन में घूम रही हो, तुम्हारी सहेलियां कौन है, ये सब पूछने लगे बुध। बाद में चंद्र कुमार बुध ने उस इला से प्रस्ताव रखा कि हे राजकुमारी, तुम हमारे साथ विवाह करो और सुख से जीवन जियो, इस तरह वन में घूमने की क्या जरूरत है। तो इला ने उनको पति के रूप में स्वीकार किया। उसी इला के गर्भ से चंद्र कुमार बुध ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आप जानते हैं पुरुरवा महाराज। पुरुरवा जैसे महान तेजस्वी पुत्र इला के गर्भ से जन्म लिया। तो इधर तो बुध की पत्नी बना हुआ इला, सुदुम्न महाराज इला बने हुए हैं और एक पुत्र को भी जन्म दे दिए, और उधर साधदेव का एक बेटा किसी जग से उत्पन्न हुआ बेचारा, वो भी बेटी बेटी से बेटा बनाया गया और वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। अब लगे पता लगाने, वो कहाँ गया अब तक लौटा नहीं, एक बड़ा ग्रुप ही कहाँ चला गया। तो फिर बड़ा छानबीन के बाद पता चला कि वो तो राजकुमारी हो गया है। अब तो वैवस्वत मनु दुखी हुए, वशिष्ठ जी के सामने जाकर कहने लगे कि गुरुदेव क्या हो रहा है। तो भगवान शिव की आराधना किए और भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए तो वशिष्ठ जी से कहे चलो एक महीना पुरुष रहेगा एक महीना स्त्री। फिर सुदुम्न को पकड़ा गया जो एक बेटे की माँ हो चुकी थी, अब उस सुदुम्न को पकड़ कर लाया गया राजधानी में। तो अब इनको राजा बना दिए, मनु महाराज राज दिए, राजा बने। राजा बनने के बाद अब एक महीना राजा के जैसा रहते थे, फिर एक महीना राजकुमारी बनकर घर में रहते थे। इस तरह से अच्छा नहीं जनता को लगता था। तो उस रूप में जब सुदुम्न महाराज राजा थे, फिर उनका विवाह भी हुआ, तो उनसे तीन पुत्र हुए, जब उत्कल गए और विमल, ये दक्षिण देश के राजा बने। इसके बाद धीरे धीरे सुदुम्न महाराज की जब वृद्धावस्था आने लगी, तो अब इनको वो जो इला के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ था चंद्र वंश से, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा, उसको सुदुम्न महाराज बुलाए और उस पुरुरवा को ही राज्य दे दिए। उनको राजा बना करके चले गए वन में तपस्या करने के लिए। और पुरुरवा महाराज एक बार चंद्र वंश और सूर्य वंश दोनों के राज्य पद को संभाले, बड़ा भारी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और इस पुरुरवा महाराज की पत्नी बनी थी स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी, जिसको इंद्र भी एक क्षण नहीं छोड़ना चाहते। वह उर्वशी अपनी इच्छा से स्वर्ग से आई थी और पुरुरवा महाराज को अपना पति बनाई थी। तो इतना तेजस्वी राजा हुए महाराज पुरुरवा। तो इस प्रकार सुदुम्न महाराज के वन में चले जाने पर वैवस्वत मनु फिर पुत्र कामना से जमुना के तट पर 100 वर्षों तक यज्ञ किए। वैवस्वत मनु अभी भी पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उस चंद्र वंश के राजा से संतुष्ट नहीं है। तो भगवान हरि की आराधना करके अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिसमें इक्ष्वाकु नृग सरयाति दृष्ट धृष्ट करुष नरिष्यंत पृषद नभग और कवि। तो इस प्रकार से 10 राजकुमार राजा हुए आगे। तो एक बार की बात है, इन पुत्रों में पृषद जो था, पृषद को गाय की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।
वशिष्ठ जी नियुक्त किए थे गाय की रखवाली करने के लिए। तो एक बार वन में गाय की रक्षा कर रहा था और तब तक एक भयंकर बाघ रात में गायों के झुंड में घुस गया और एकदम गाय छटपटाने लगी, डकारने लगी, चिल्लाने लगी। अंधेरी रात्रि थी। अब प्रसाद महाराज तलवार उठाए और दौड़े गायों की तरफ और अंधकार में दिखाई नहीं दिया। वो अत्यंत भयभीत होकर चिल्ला रही थी। तब तक गाय और तलवार उठाकर अनजान में बाघ को काटने के भ्रम में एक गाय का ही सिर काट दिए रात्रि में और बाघ का एक कान कट गया, वो नीचे गिरा था और गाय का सिर कट गया और बाघ भाग गया। बाद में जब रात बीतने के बाद पता चला तो एकदम दुखी हो गए प्रसाद। अब क्या करें, ये तो उन्हें बहुत दुख हुआ, यद्यपि अनजान में गोबध हुआ था, फिर भी वशिष्ठ जी शूद्र होने का श्राप दे दिए। प्रसाद पाप स्वीकार कर लिए, छोड़िए कोई बात नहीं, मुझसे अपराध हुआ है, श्राप जो गुरु महाराज दिए उसको स्वीकार कर लिए और स्वीकार करके ये वन में चले गए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान हरि की आराधना किए। अंत में वन में दवानल लगा, जंगल में आग, और उसमें जलकर भस्म हो गए। इस तरह से भगवान को प्राप्त कर गए। तो इसका मतलब कि प्रसाद का कोई वंशावली का वर्णन नहीं है। इसके बाद सबसे छोटा पुत्र कवि थे मनु महाराज के, वैवस्वत मनु के पुत्र कवि। विषयों से अत्यंत निष्प्रिय थे और किशोरावस्था में ही राज्य छोड़कर वन में चले गए थे भजन करने। ये भी कोई संतान प्राप्त नहीं किए। फिर एक पुत्र करुष नामक है, करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए और ये उत्पन्न हुए वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तरा पक्ष के राजा बने करुष के पुत्र। और धृष्ट नामक क्षत्रिय, धास्त नामक क्षत्रिय हुए। अंत में इसी शरीर से ब्राह्मण भी बन गए। और नृग का पुत्र सुमति हुआ, सुमति से भूत ज्योति वसु प्रवीक ओघवान, ओघवान से ओघवती नामक कन्या जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। और फिर एक पुत्र थे नरिशंत, नरिशंत से चित्रसेन, रिक्ष, मिढ़वान, कूर्च, इंद्रसेन आदि। इसी वंश में अग्नि गोत्र के कुछ पुत्र हुए। और फिर दिष्ट, दिष्ट के पुत्र हुआ नाभाग। प्रसिद्ध नाभाग से भिन्न है, ये अपने कर्म से वैश्य बन गए। इसी वंश में महाराज त्रिणबेंदु का जन्म हुआ और इनके कई पुत्र हुए। कन्या हुई इडबिडा जो मुनिवर विश्वसरवा से ब्याही गई, जिसे कुबेर जी का जन्म हुआ। महाराज त्रिणबिंदु के विशाल शून्य बंधु धूमकेतु आदि पुत्र हुए और इन्होंने वैशाली नामक नगरी बसाई। और इसी इस वंश में बहुत सारे राजा हुए। तो इस तरह हम वैवस्वत मनु के पुत्रों की कथा कह रहे हैं। फिर आठवां पुत्र थे सरयाती, जो वेदों के निष्ठावान विद्वान व्यक्ति थे और अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में इन्होंने दूसरे दिन का कर्म बताया था। इनकी एक कमल लोचना पुत्री थी सुकन्या, सरयाती महाराज की बहुत सुंदर बेटी थी, सुंदरी। और एक बार महाराज सरयाती पिकनिक मनाने के लिए वन में चले गए अपने मंत्रियों के साथ, रानी के साथ, बेटी के साथ, सब लोग गए। और वन में चवन ऋषि का आश्रम था। चवन ऋषि उस समय तपस्यारत थे। तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक लग गए थे और मिट्टी घास कुछ फूस लग कर एकदम एक ढेर बन गया था, डीला जैसा। वो किसी आश्रम में नहीं थे, व्यक्ति के रूप में नहीं उस आश्रम में थे, लेकिन वो प्रसिद्ध आश्रम था चवन मुनि का। तो सब लोग वहां अपना खाने पीने आनंद में पिकनिक मना रहे थे। तब तक उनकी बेटी सरयाती अपनी सखियों के साथ उस वन में घूम रही थी। अब बस उसी में जो दीमक लगा हुआ डील था, ऐसे मिट्टी का ढेर, उसमें चमकते हुए दो ज्योति देखी, चमक रहा है एकदम शीशे की तरह। तो वन से काट लेकर काटा किसी पेड़ से,
कांटा लेकर उस चमकते हुए बिंदु पर उसने छेद कर दिया, बेध दिया। आज जब ही कांट से बेधी थे उसे खून गिरने लगा, खून गिरने लगा तो एकदम घबरा गई, अब क्या होगा, ये क्या है। और तब तक उधर उस जितने लोग थे उपस्थित उनका पेट फूलने लगा, उनका पेशाब रुक गया, शौच रुक गया, एकदम पूरा डिस्टर्ब। अब तो महाराज सरयाती के पूरे समाज का मल मूत्र सब अवरुद्ध हो गया। अब राजा एकदम चकित हो गए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया। तो इस अवस्था में सरयाती महाराज बहुत चिंतित हुए और सबको बुलाए, पूछने लगे कि बतलाओ ये महर्षि चौवन का आश्रम है, यहाँ इस तरह से क्यों हुआ है, आखिर किसी के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा अनजान में अपराध हुआ है, बताओ किसने अपराध किया। जब सब तरह से पूछने लगे तो अब सुकन्या कहने लगे कि पिताजी हमारे द्वारा ये अनजान में अपराध हो गया है, मैं एक ज्योति के अंदर कांटा से छेद की और उससे खून निकलने लगा। तब तो जान गए सरयाती महाराज, वो बड़े धार्मिक थे, ब्राह्मणों जैसा तेज था उनका, बहुत विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो तुरंत जान गए और वे जा करके चवन मुनि के चरणों में प्रार्थना करने लगे और आग्रह करने लगे, हे प्रभु कृपा कीजिए, हमारा दुख दूर कीजिए, बड़ी स्तुति करने लगे। इसके बाद चवन मुनि वहां से उस दीमक के ढेर से निकले हुए, उनके चरणों में महाराज सरयाती गिर कर क्षमा याचना कर रहे थे कि माफ कर दीजिए, कि हे राजन तुम संकट से मुक्त होना चाहते हो तो जिस तुम्हारी बेटी ने हमारे आंख में कांटा लगाई है उसी को यहाँ छोड़ जाओ, उससे मैं विवाह करूंगा। उस अवस्था में विवाह करने की बात चवन ऋषि बोल दिए। अब तो राजा को तो बड़ा दुख हुआ कि इसके साथ विवाह। फिर भी वो सुकन्या बहुत गंभीर लड़की थी, कही ठीक है पिताजी, एक मेरे दुख के कारण आप सभी सुखी हो जाएंगे तो अच्छा है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं इनके साथ रहूंगी। तो अपने पिता के दुख दूर करने के लिए वो सुकन्या ने उस ऋषि के साथ विवाह स्वीकार किया। इसके बाद वे लोग अपने राजधानी में चले गए। तो सुकन्या बड़ी सावधानी के साथ अपने पति चवन मुनि की सेवा करने लगी। कुछ समय के बाद उस आश्रम पर अश्विनी कुमार आए, उनका बहुत सुंदर आतिथ्य किया गया सुकन्या राजकुमारी ने की, तो अश्विनी कुमार एकदम प्रसन्न हो गए, ऋषि से कहने लगे आपके स्वागत से हम बहुत प्रसन्न हैं, आप जो चाहिए हमसे मांग लीजिए। तो चवन मुनि जानते थे कि ये देवताओं के वैद्य हैं, कहे कि आप लोग समर्थ हैं, आप हमें ऐसी जीवावस्था दीजिए जो युवती स्त्रियों को प्रिय हो, तो आप हमको युवक बना दीजिए, आप मुझे जवान बनाइए, मैं आपको सोम रस का पान कराऊंगा। तो कहे ठीक है, वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार ने कहा ठीक है, देखिए हम लोग एक रस तैयार करते हैं, एक सीधों का कुंड है और इस कुंड में आप स्नान कीजिए, ये शरीर ठीक हो जाएगा। फिर ले करके उनको, दोनों अश्विनी कुमार तो साथ साथ चलते हैं, दो रहते हैं साथ में, तो दोनों उस ऋषि को लेकर उस कुंड में गोता लगाए, भीतर गए, प्रवेश किए और कुछ देर के बाद निकले। तीनों एक समान सुंदर लग रहे थे, एकदम युवक, जैसे अश्विनी कुमार देवता थे चमक रहे थे वैसे वो ऋषि भी चमकने लगा। तो बाहर आए, इसके बाद सुकन्या के पास गए और वो बोल रहे हैं कि सुकन्या तुम पहचान लो तीनों में तुम्हारा पति कौन है, तू पतिव्रता स्त्री है, अपने पति को पहचान लो, इसी में एक है। तो बेचारी पहचान ही नहीं पा रही थी, फिर हाथ जोड़कर कहने लगी कि नहीं मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कृपा करके आप लोग बता दीजिए तीनों में एक हमारे पति को अलग कीजिए, हम समझ नहीं पा रही है। तो उनके चरणों में वंदना किए, तब ये लोग बतला दिए कि यह तुम्हारा पति है। जब चवन ऋषि जवान हो गए और अपने पत्नी सुकन्या के साथ बैठे थे, तो एक दिन जब आए सरयाती महाराज आश्रम पर, उस साधु के आश्रम पर, तो देखते हैं हमारी बेटी एक युवक के साथ बैठी है, वो बड़ा सुंदर युवक,
और जब आकर सरयाती को प्रणाम करने आती है सुकन्या उनके चरणों में, सरयाती आशीर्वाद नहीं दिए, नाराज हो गए और कहने लगे, अरे दुष्टे तुमने क्या किया, तुमको थोड़ा भी संकोच नहीं है, ये तुमने वंदनीय सारे ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ चवन ऋषि को अपमान किया और उनको बूढ़ा समझकर अपने काम लायक नहीं समझकर छोड़ दिया, और तू पर पुरुष के साथ रह रही है, इस युवक के साथ तेरा जन्म इतने ऊंचे वंश में हुआ है, मेरी बेटी हो, तुमको उल्टी बुद्धि कहां से आ गई, ये तेरा व्यवहार मेरे कुल को और तुम्हारे पति के कुल दोनों को नाश कर दिया। अरे स्त्रियों को दो कुल का ध्यान रखना होता है, क्या तुमने कर दी, एकदम रोने लगे महाराज सरयाती, एकदम चिंता में भर पड़ गए कि ये युवक पता नहीं कौन है, किसके साथ रह रही है, उनको कुछ पता नहीं है कि वह चवन ऋषि ही युवक हुआ है, वो लगे बोलने कि तुमने क्या किया। तो इस तरह से अब तो सरयाती महाराज काफी दुखी हैं, ये क्या तुमने कर दिया, क्या कर दिया, और सुकन्या मुस्कुरा रही है, तो मुस्कुरा कर कहती है, पिताजी यह आपका साक्षात जमात या जमाता स्वयं भृगु नंदन चवन मुनि है, वही जिनके साथ आप मुझको छोड़कर गए हैं, वही है। ऐसे कैसे, तब वो सारी कथा को सुनाती है, अश्विनी कुमार के द्वारा कैसे इस प्रकार हुआ सब सुनाती है। तो इस प्रकार चवन मुनि की कथा को कहकर अब अश्विनी कुमारों को सोमपान कराए, इस कथा को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब सोमपान कराने का अधिकार दे दिए अपने तपस्या के बल पर तो इंद्र चिढ़ गया। इंद्र चिढ़ करके कहा कि अरे इस तरह से व्यवहार किया है, इस प्रकार से जब चिढ़ करके वो मारने के लिए तैयार हुए तो महर्षि चवन ने वीर सरयाती से सोम जग का अनुष्ठान करवाया, कहा कि आप एक सोम जग कीजिए, चवन ऋषि से कहे, और उसमें मैं अश्विनी कुमारों को सोमपान कराऊंगा। अब राजा सरयाती यज्ञ किए चवन मुनि के कहने से, और उसमें अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया गया। तब तक इंद्र को बड़ा क्रोध आया और सरयाती महाराज पर ही वज्र छोड़ दिए, वज्र उठाए कि सरयाती को नष्ट कर दूं, ऐसा यज्ञ कर रहा है, अश्विनी कुमार को सोमपान कराया। ज्यों ही वज्र उठाए मारने के लिए, बस चवन ऋषि मंत्र से ऐसे करके मंत्रोच्चारण किए और जल छिड़के कि इंद्र का हाथ में वज्र लिए ही इंद्र स्तंभित हो गया, हिल ही नहीं रहा था, हाथ में वज्र छूट रहा था, उसी तरह रह गया। तब सारे देवताओं ने अश्विनी कुमार को सोमरस देने के लिए तैयार हो गए। तो सब लोग जब तैयार हो गए, इंद्र भी तैयार हो गए कि ठीक है किसी तरह पान कराइए, अब तो क्या करें, तब जाकर फिर उनको माफ किए, इतना बल चवन ऋषि में है। तो इस तरह सरयाती के पुत्र हुए उतान बरही आनर्त भूरिसेन आदि, आनर्त देश के राजा हुए। इसी वंश में ककुद्मी नामक एक राजा हुए जिनकी बेटी थी रेवती, और ककुद्मी रेवत महाराज हुए थे आगे इस वंश में, और उस रेवत के नाम पर पुत्री का नाम रेवती रख दिए थे ककुद्मी, और इतनी सुंदरी थी कि अब इनको पता ही नहीं चल रहा था किससे विवाह करें। तो अब लगे उस अपने पुत्री के लिए पति के खोज करने, कहीं कुछ पता नहीं चला, तब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछने गए कि आपके सृष्टि में हमारी बेटी के लायक कोई है बर, आप जगत की सृष्टि किए हैं, आप ही बताइए। तो वहां गान बजान संगीत चल रहा था, ब्रह्मा जी बिजी थे तो जल्दी नहीं पूछ पाए, कुछ रुक गए, इंतजार किए, इसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए, कहे कि आप हमारे बेटी के लिए कोई उचित वर बताइए। तो कहे कि अरे तुम कहां से कहां आ गया, जानते हो तुम कितना देर कर दिया, तुम्हारे समय जिस समय तुम्हारी बेटी थी जहां जिस राज को देख कर आया हो लाखों वर्ष बीत गया, कोई उस समय के राजकुमार नहीं जीवित है जिनका नाम बताऊं और तुम विवाह करोगे, जाओ अभी भगवान का अवतार हो चुका है कृष्ण बलराम का, और वहां जाकर भगवान श्री बलराम तुम्हारे पुत्री के योग्य वर हैं, तुम जाकर उनको दे दो। तो सतयुग का बहुत बड़े समय का और रेवती बहुत लंबी थी,
श्री बलराम जी के पास ले गए और कहे कि हम ब्रह्मा जी के आज्ञा से लाए हैं। तो बलराम जी स्वीकार कर लिए, लेकिन बलराम जी तो अब द्वापर के थे, छोटे शरीर वाले, तो उसको पकड़ करके छोटा कर लिए, अपने अपने साइज के कर लिए रेवती जी को, और श्री बलराम जी उनके साथ विवाह किए, बलराम जी को सौंप दिए और फिर अपने तपस्या करने के लिए चले गए बद्री वन। तो इसके बाद नभग पुत्र है, नौवा पुत्र वैवस्वत मनु के, नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग बचपन में भजन करने के लिए गए, दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटे, सबसे छोटे पुत्र थे, उनके आने में देर हो गया, और यह नभग जी भी भजन परायण थे, अपने पुत्रों को राज देना चाहते थे, तो इनके पुत्र पिता के बिना परमिशन के राज बांट लिए, कोई पिता से कुछ सलाह नहीं। जब वो छोटा भाई भजन करके लौटा तो पूछा अपने भाइयों से कि भैया हमारा क्या हिस्सा है, हमारा हिस्सा, तो कहे रे तुम तो अभी ब्रह्मचारी हो, अभी भजन करके लौट रहे हो, तुम्हारे हिस्सा में हम लोग पिताजी को दिए हैं, कोई धन नहीं है, ब्रह्मचारी को तो माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो जाओ पिताजी की सेवा करो, यही तुम्हारे हिस्सा में है। तब वो गए, कहे कि पिताजी मेरे भाइयों ने आपको हमारे हिस्सा में दिया है। तो पिताजी कह रहे बेटा तुम इनकी बात मत मानो, आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं उत्तराखंड में, और वो यज्ञ में एक कमी हो जाती है छठवां दिन, हमेशा मंत्र में कमी हो जाती है, भूल हो जाती है, तुम लोग जाकर बता दो, उन लोगों को बताओ दो सूक्त गलती पढ़ रहे हैं, उनको जाकर वैष्णोदेव संबंधी जो सूक्त है वो गलती है, जाकर तुम बता दोगे तब उनको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो उनको सफलता नहीं मिल पाएगी, और जब ये लोग स्वर्ग जाने लगेंगे तो यज्ञ वेदी बनाए हैं सोने का, पात्र भी सोने का है, और वहां बहुत से सोना का सामान बना हुआ है, वो सब तुमको दे देंगे, तुमको प्रचुर धन मिल जाएगा। तब वो नाभाग गया और उन लोगों को बता दिया, बता देने से उन लोगों को यज्ञ में सफलता मिली। जब सभी लोग स्वर्ग जाने लगे तो कहे कि हे राजकुमार, ये यज्ञ में जो भी पदार्थ बचा है वो तुम्हारा है, वहां बड़ा बड़ा वेदी सोने का बना हुआ, बहुत सुंदर सुंदर आसन था, बर्तन था, सब कुछ दे दिए। तो जब वो चले गए तो नाभाग उन वस्तुओं को लेने लगा, ले जाने के लिए घर, तब तक एक काला कलूटा व्यक्ति आया, कहा कि अरे राजन सावधान, तुम छू नहीं सकते हो, ये सारा धन हमारा है। तो कहे कि ये तो ऋषियों ने हमको दिया है, कह रहा उनके देने से क्या हो गया, मेरा है, इस धन पर मेरा पूर्ण अधिकार है, तुम्हारा नहीं। अगर तुमको हमारे बात पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो अपने पिताजी नभग से पूछ कर आओ घर से, वो कह देंगे कि तुम्हारा है तो हम तुमको दे देंगे। इतना सीधा साधा नभग थे, आए घर पर और पिताजी से कहे कि पिताजी उस धन को जब हम लेने लगे तो एक काला कलूटा व्यक्ति आया और कहा कि हमारा है, और कहा कि जाओ अपने पिता से पूछाओ। तब नभग जी कहे कि हाँ बेटा ठीक कह रहे हैं, जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था शिव जी को कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, तब बाद में व्यवस्था किया गया कि यज्ञ में जो उच्छिष्ट बचेगा, जो यज्ञ सामग्री बच जाएगी, जो बचा हुआ अवशेष है वो रुद्रांश होगा, रुद्र का अंश होगा, तो काला कलूटा रूप में जो आए होंगे ना वो भगवान रुद्र होंगे, इसलिए धन तो उन्हीं का है। तो गया नाभाग, तो काला कलूटा पुरुष फिर आया, कहा क्या हुआ, पूछ लिया अपने पिताजी से, तो कहा हाँ पूछ लिया, पिताजी कहे हैं कि यह धन आपका है, सॉरी मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था, एकदम हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, मुझे माफ कीजिए, मुझसे अपराध हुआ, सिर झुका कर नाभाग उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। तो भगवान रुद्र कहे कि तुम्हारे पिता धर्म के अनुकूल निर्णय दिए हैं और तुम सत्यवादी हो, हमारा तो कोई आदमी था नहीं तुम्हारे साथ सुनने वाला कि तुम्हारा पिता क्या बोला, लेकिन तुम हू बहू अपने पिता की बात सत्य सत्य सुनाए हो बेटा, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, तुम ले जाओ, ये सारा धन तुम्हारा है और मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूं बेटा, तुमको यज्ञ में बचा हुआ पदार्थ तो देता ही हूं, इसे ले जाओ,
लेकिन इसके बाद मैं तुमको धन देता हूँ और धन के साथ साथ तुमको ज्ञान देता हूँ और इस ज्ञान से तुम अबाध रूप में ज्ञान संपन्न रहोगे और तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा। इस प्रकार से कहकर भगवान रुद्र अंतर्हित हो गए। नाभाग महाराज धन लाए, बहुत धनी हो गए। इसके बाद वेदज्ञ हो गए भगवान शिव के कृपा से। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्त से इस नाभाग के चरित्र को जो व्यक्ति सुनता है वह प्रभावशाली और वेदज्ञ हो जाता है और साथ ही अपने स्वरूप को जान जाता है और भगवान का भक्त हो जाता है। इसके बाद नाभाग महाराज के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, इतना महान भक्त हुए कि ब्रह्म साप भी उनको स्पर्श नहीं कर पाया। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं, भगवत सो तुम इच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः न प्राभूत जत्र निर्मुक्तो ब्रह्म दंडो दुरत्यय। हे प्रभु, मैं सुनना चाहता हूँ महाराज अम्बरीश का चरित्र, जो कभी भी उनके दंड को श्राप को टाला नहीं जा सकता, वह ब्रह्म साप अम्बरीश को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, यह मैं सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अम्बरीश बहुत तेजस्वी राजा था, चक्रवर्ती सम्राट बना और अतुलनीय संपत्ति थी, बहुत बड़ा राज्य, सब तरह से सारे संपत्ति को प्राप्त करने के बाद भी अम्बरीश अपने संपत्ति के प्रति स्वप्न तुल व्यवहार रखता था, कोई आसक्ति नहीं थी, समझता था कि संसार में सब कुछ स्वप्नवत है और जो व्यक्ति इस धन के लोभ में पड़ जाता है उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है, ये अम्बरीश शुरू से जानता था। इस तरह से भगवान कृष्ण में और उनके प्रेमी साधु पुरुषों से उनका बहुत प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर सारे विश्व और उनकी संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान मालूम पड़ती है। वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम ये नेदम लोष्टवत स्मृतम। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाने पर सारा संसार मिट्टी के समान मालूम पड़ता है। और महाराज अम्बरीश के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो ऐसा राजा थे कि उनका मन कृष्ण में लगा हुआ था, कई श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। सवई मन कृष्ण पदार विंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकारा चुत सत्कथोदय। महाराज अम्बरीश का मन भगवान कृष्ण के चरण जुगल में लगा हुआ था और वाणी भगवान के गुणों के वर्णन में और हाथ भगवान के मंदिर मार्जन करने में और कान भगवान की कथा सुनने में, श्रुतिम चकारा चित सत कथोदय। इस प्रकार मुकुंड लिंगालय दर्शने दिशऊ आंख भगवान के दर्शन करने में, तदभृत गात्रा स्पर्शेंग संगम भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में उनका अंग लगा हुआ था, नासिका भगवान के चरणों में चढ़ाई गई तुलसी के गंध लेने में, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादव हरेर क्षेत्र पदानुसर पड़े। और महाराज अम्बरीश के पैर भगवान के धाम की यात्रा करने में, परिक्रमा करने में, गिरिराज की परिक्रमा करने में, धाम की परिक्रमा करने में लगा हुआ था और शीर भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना करने में, शीरो हिषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्य न तु काम कामया यथोत मश्लोक जनाश्रया रति। राजर्षि अम्बरीश का सब कुछ माला चंदन भोग आदि सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर और फिर किस तरह से धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार सबको कृष्ण में नियुक्त किए थे, पूर्णतः कृष्ण भावना भावित महाराज अम्बरीश। और ऐसे महाराज अम्बरीश के प्रति दुर्वासा जी एक बार क्रोध किए और उनको कृत्या उत्पन्न करके मारना चाहे, लेकिन भगवान का चक्र दुर्वासा की दुर्गति कर दिया, एक साल तक जलाया। फिर अंत में भगवान की प्रेरणा से अम्बरीश के चरणों में जब आए तब इनका दुख दूर हुआ। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, भक्तों का आस्वादन का विषय है, तो कल इसको फिर डिटेल वर्णन करेंगे। और अभी श्रीमद् भागवतम जी की आरती कीजिए और फिर तुलसी आरती और गौर आरती प्रारंभ होगा। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।